फर्टिलाइज़र या उर्वरक के लिए पशुपालकों को या किसानों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर के कचरे से एक बेहद बेहतरीन उर्वरक तैयार किया जा सकता है, यानी कि आपके फसलों की उपज को बेहतर करने के लिए घर का कचरा काम में लाया जा सकता है। चलिए जानते हैं कैसे। नमस्कार पशुपालक भाइयों, मैं एनिमल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से हाजिर हो गए हैं एक और वीडियो लेकर। अब हम बात करेंगे कृषि और डेयरी की ऐसी समस्याओं के बारे में जिनका समाधान तो है लेकिन लोग जानते नहीं हैं, और कोशिश करेंगे कि कृषि और डेयरी के खर्चों को कम किया जा सके और कृषि और पशुपालक से जुड़े हुए लोगों की आय को बढ़ाया जा सके। इससे पहले हम आगे चलें, चलिए आपको कुछ दिखाते हैं। ये कोई हिल स्टेशन नहीं बल्कि कूड़े के पहाड़ हैं। जो देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कूड़े के पहाड़ आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यही कचरा किसानों के लिए एक वरदान की तरह भी काम कर सकता है। अगर नहीं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। इसी कचरे से निकलने वाली गंध और जहरीली गैस अक्सर लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देती है, लेकिन अगर इसी कचरे का सदुपयोग किया जाए तो आज के समय में उर्वरक तैयार किया जा सकता है, और वो उर्वरक इतना बेहतरीन होगा कि फसलों की उपज भी बेहतर होगी और उन्हें ज़रूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे। अब बात करते हैं उर्वरक की कीमत की। अमूमन बाज़ार में मिलने वाले उर्वरक या फर्टिलाइज़र करीब 1000 रुपये किलो तक मिलते हैं, यानी कि अगर एक पशुपालक या किसान एक बड़े स्तर पर खेती करता है तो उर्वरक बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें चाहिए होता है। लेकिन अगर बात करें, अगर ऐसे में मौसम की मार पड़ जाए तो इसी उर्वरक की मांग दोगुनी भी हो सकती है और इस उर्वरक का जो खर्च है वो दुगना भी हो सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप घर के कचरे का सही इस्तेमाल कर पाएँ और उसके ज़रिए उर्वरक तैयार कर पाएँ। चलिए अब पहेलियाँ बुझाना बंद करते हैं और सीधा सीधा मुद्दे पर आते हैं। आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती होंगी जिनका कचरा आप फेंक देते होंगे। अब इसी कचरे को हमें इस्तेमाल में लेना है। चलिए जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़, चाय पत्ती। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को हम अक्सर नाली या कहीं पर भी कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन अगर इसी का इस्तेमाल किया जाए तो हम काफ़ी हद तक उर्वरक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्याज के छिलके। प्याज के छिलकों के ज़रिए भी उर्वरक तैयार किया जा सकता है। अब आते हैं अंडे। अंडे कैल्शियम का एक बहुत बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं और यही कैल्शियम फसल को भी ज़रूरी होता है, तो ऐसे में कैल्शियम के लिए अंडों के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इनके गुणों के बारे में। इस्तेमाल की गई चाय पत्ती के अंदर क्लोराइड, सल्फेट, टोटल फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मेंटर, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। चाय पत्ती के यही गुण इस फसल को उपजने में बेहद मदद करते हैं और उनकी गुणवत्ता को निखारने का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज के छिलकों के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा बेहद ज़्यादा होती है और आयरन फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फसल में आयरन की कमी हो जाए तो फसल उतनी अच्छी से नहीं उपजती, तो ऐसे में आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंडों के छिलकों की। अंडे के छिलकों में कैल्शियम पाया जाता है, ये बेहद फ़ायदेमंद होता है और अंडे रोज़ाना आम अमूमन घरों में खाए जाते हैं। आप इन्हीं अंडों के छिलकों को इस्तेमाल में लेकर उर्वरक तैयार कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसकी विधि के बारे में। अब सबसे पहले आपको अंडे के छिलके लेने हैं और इन्हें मिक्सर और ग्राइंडर के अंदर अच्छे से पीस लेना है ताकि इनका पाउडर तैयार हो जाए, और इसके बाद प्याज के छिलकों को और इस्तेमाल की गई चाय पत्ती को एक तसले या फिर एक बड़ी सी कढ़ाई के अंदर डालना है। अब इन दोनों को डालने के बाद इसमें जो पेस्ट आपने तैयार किया है, जो चूर्ण आपने अंडे के छिलकों से तैयार किया है, उसको इसके अंदर डाल देना है और अच्छी तरीके से मिला देना है। अब जब आप इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे तो आपको इसे फसल पर छिड़क देना है या फिर उसकी आसपास की मिट्टी में मिला देना है। इससे फसल के लिए एक अच्छा उर्वरक तैयार हो जाएगा और आपकी फसल बिना पैसों के अच्छी और बेहतर होने लगेगी। अब बात आती है कि यार प्याज के छिलके इतनी मात्रा में कहाँ से लाए जाएंगे, क्योंकि उर्वरक का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो इसके लिए आपकी अपने आसपास के रेस्टोरेंट के ढाबों का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर प्याज के छिलके अमूमन फेंक दिए जाते हैं या फिर अंडे की रेड़ी पर भी ऐसे छिलके आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तरीका सोचना है और आपकी आय भी बढ़ेगी और आपका खर्चा भी कम होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हम मिलेंगे अगली ही किसी वीडियो में और बात करेंगे आपके फ़ायदे की। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।